हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस ए इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ जॉन डन की एक बहुत ही अच्छी पोएम जिसका नाम है सॉन्ग गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। इसका जो समरी है बहुत ही अच्छा है। हैंड रिटन नोट्स बनाकर लाई हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ज़रूर करें कि आप लोगों को ये समरी कैसा लगा, हैंड रिटन नोट्स कैसा लगा। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार इसका नेम है। दिस पोएट्री रिटन बाई जॉन डन, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1633। द सॉन्ग गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, दिस पोएम इज ऑल अबाउट वुमेन्स आर अनफेथफुल देयर लवर, शी चीट्स देयर लवर एवरी मोमेंट, शी चेंज हर लवर लाइक अ क्लॉथ। जॉन डन के द्वारा लिखा गया पोएट्री है और ये 1633 में पब्लिश हुआ था। पोएट ये कहना चाहते हैं कि जो वुमेन्स होती है वो अनफेथफुल होती है अपने लवर के प्रति, और शी चीट्स वो अपने लवर को चीट करती है हर एक पल, और अपने लवर को क्लॉथ की तरह चेंज करती है। दिस पोएम वॉज रिटन बाई जॉन डन वॉज अ यंग मैन एंड अनमैरिड। As he get married with his wife and his thought was suddenly changed about women. जैसे ही उनकी शादी होती है वैसे ही उनका जो thought है, जॉन डन का जो thought है women's के प्रति वो change हो जाता है। अगर आप लोगों को background में अगर noise सुनाई देता है तो please उसे ignore करें और अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार 1633 पब्लिश्ड। इन फर्स्ट स्टैंजा जॉन डन हैज़ गिवन 7 टास्क विच इज़ इम्पॉसिबल। फर्स्ट स्टैंजा में जॉन डन 7 टास्क देते हैं जो इम्पॉसिबल होता है। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, नो वन कैन कैच द फॉलिंग स्टार बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग। गो एंड बॉर्न अ चाइल्ड विथ मैंड्रिक प्लांट, अ प्लांट विच हैज़ ह्यूमन क्वालिटीज। पोएट ऑल्सो गिविंग अ क्रिटिकल वर्क विच नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बींग। पहले स्टैंजा में जॉन डन कहना चाहते हैं कि जाइए जा कर के फॉलिंग गिरते हुए तारे को पकड़ लीजिए, जो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ है। और फिर कहते हैं कि जाइए मैंड्रिक प्लांट के साथ जो ह्यूमन क्वालिटी रखता है उसके उससे बच्चा पैदा करके दिखाइए, सो ये भी इम्पॉसिबल है। पोएट ने ये क्रिटिकल टास्क दिया है। इन थर्ड लाइन पोएट टेल इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टू एड्रेस अ वोमेन हु इज़ फेथफुल टू हर लवर लाइक दिस दिस टेलिंग ऑफ वेयर द पास्ट ईयर हैव गॉन। कहता है कि जाइए वो ऐसी औरत ढूंढ के लाइए जो अपने लवर के साथ फेथफुल है, एंड हु क्लोव द डेविल्स फुट, हु मेड दिस कॉ लाइक फूट, एनी बडी नो हु डू इट। इस लाइन का मतलब है कि जाइए पता करिए कि डेविल्स की फूट को यानी कि गाय के खुरों की तरह किसने बांटा है, जाइए पता करें। फिर जॉन डन कहते हैं फिफ्थ लाइन में, पोएट वॉन्टेड टू नो दैट इच मी हाउ कैन आई लिसन टू द म्यूजिक ऑफ मरमेड विच इज़ नो रियल एग्जिस्टेंस। इफ एनी बडी लिसन मरमेड हु is not alive, so it is impossible task. मुझे सिखाइए, फिफ्थ लाइन में पोएट कहना चाहते हैं कि मुझे सिखाइए कि मरमेड की म्यूज़िक को कैसे सुने जो रियल एग्जिस्ट ही नहीं करती है और जो जिंदा ही नहीं है, और ये इम्पॉसिबल टास्क जॉन डन देते हैं। सिक्स्थ लाइन में पोएट आस्क क्वेश्चन, टेल मी हाउ टू केप्ट आउट and save themselves from envy and jealousy which human nature। jealousy करने वाले लोगों से कैसे बच सकते हैं, खुद को कैसे बचा सकते हैं। सेवन स्टैंजा में पोएट इन द लास्ट सेवन स्टैंजा पोएट वॉन्टेड टू नो एंड अगेन गिवन अ इम्पॉसिबल टास्क, द टेल मी द वे वेयर फ्रॉम फेथफुल एंड ऑनेस्ट मैन कैन गेट सक्सेस। सेवन्थ स्टैंजा में पोएट कहना चाहते हैं कि मुझे वो रास्ता बताइए कि कैसे एक ऑनेस्ट मैन सक्सेसफुल हो, सक्सेस पाले,
In the last stanza, poet believe that honest man cannot get success. और इन द लास्ट स्टैंजा पोएट मानते हैं कि ऑनेस्ट जो पर्सन होता है, जो ईमानदार व्यक्ति होता है, वो सक्सेस नहीं पाता. पोएट से ऑल दीज आर इम्पॉसिबल टास्क टू डू जस्ट लाइक अ फेथफुल वोमेन इज इक्वली इम्पॉसिबल. और पोएट लास्ट स्टैंजा में कहते हैं कि वैसे ही जैसे फेथफुल वोमेन का पाना मुश्किल है, वो करना भी मुश्किल है. पोएट टारगेट करते हैं वोमेन को कि वोमेन फेथफुल नहीं होती है. फिर सेकंड स्टैंजा में पोएट कहते हैं, पोएट से इफ़ यू आर एबल टू सी स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट विच इज़ ऑर्डिनरी पीपल कांट सी. पोएट कहते हैं कि अगर आप स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट को देखने में एबल हैं, तो आप 10,000 डेज एंड नाइट ट्रैवल करें जब तक कि आपका हेयर वाइट नहीं हो जाता, मतलब आप बूढ़े नहीं हो जाते. देन ही विल नॉट फाइंड अ वूमेन हु इज़ बोथ फेथफुल एंड ब्यूटीफुल. ही विल नॉट फाइंड, वो बूढ़ा हो जाएगा फिर भी वो उस औरत को नहीं ढूंढ पाएगा जो फेथफुल भी हो और खूबसूरत भी हो. When you come to complete your journey, you will swear before me that you have not seen such an beautiful and honest woman. फिर वो कहते हैं कि आपको मेरे सामने कसम खाना होगा कि आपने उस वोमेन को नहीं देखा जो फेथफुल भी हो और ऑनेस्ट भी हो. पोएट वांट टू से देयर इज नो वोमेन हु इज ब्यूटीफुल एज वेल एज ऑनेस्ट इन दिस वर्ल्ड. पोएट कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं है जो खूबसूरत भी हो और ऑनेस्ट भी हो. In the last or third stanza, poet say, if anybody tells me about woman who is both faithful and beautiful, third stanza में poet कहते हैं कि अगर कोई उन्हें बताएगा कि एक औरत beautiful और faithful भी हो सकती है, then poet go to her on a pilgrimage to some holy shrine. पिलग्रिमेज उसको कहा जाता है जहाँ, मतलब तीर्थ यात्रा पर. पोएट कहना चाहते हैं कि वो तीर्थ यात्रा पे चले जाएंगे. पोएट से दैट सच अ वोमेन इज रियली ऑफ वॉरशिप एंड एडोर्टेशन. पोएट कहना चाहते हैं कि वो वोमेन बहुत ही वर्दी होगी ऑफ वॉरशिप एंड एडोर्टेशन, पूजनीय होगी. बट On the second thought, the poet realized and denied to meet such a woman who is beautiful and faithful. He will not meet her whether she lives beside my home. दूसरे ही thought में poet कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं उससे मिलूँगा. वो मेरे घर के बगल में भी रहती होगी तो मैं उससे नहीं मिलूँगा. Poet से let you be, you found such a woman who both beautiful and faithful. Maybe that time she is faithful to her lover, but till you write your letter to her, yes, she will be false and she will have changed two or three other lovers. इस लाइन का मतलब है, कहते हैं कि अगर तुमने पा भी लिया ऐसी वोमेन को जो खूबसूरत भी है और फेथफुल भी है, ईमानदार भी है, हो सकता है कि तुम्हारे लिए उस टाइम पर वो वफादार हो, लेकिन जब तक तुम उसके लिए लेटर लिखोगे तब तक वो दो तीन लवर्स को चेंज कर चुकी होगी. सो माई डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये समरी और हैंड रिटन नोट्स पसंद आया हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें. अगर आपको अच्छा लगा तब भी आप कमेंट करें
कि हाँ कुछ अच्छा नहीं लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें कि हाँ मुझे अच्छा लगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।